निकला हूँ देखो जी, यहाँ इतने विशाल पेड़ यहाँ से यहाँ तक पड़ा था, वहां तक पड़ा था, पूरा पेड़ को साफ करके उसको जलाया और ये पानी प्राप्त किया। दोस्तों जैसे हम समर सेबुल में देखते हैं ना, समर सेबुल जैसे 4 इंची समर सेबुल पानी देता है, ऐसे इतने फोर्स से पानी निकल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइफ यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों आपको नित्य नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं, दोस्तों इसी कड़ी में हम चित्रकूट के घनघोर बीहड़ जंगल में आए हुए हैं और यहीं पे एक दिव्य स्थान है और यहीं पे एक संत जी रहते हैं, आज उन्हीं के आश्रम चलेंगे, उनके दर्शन करवाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करवा सकते हैं। और मेरे आसपास आप देख सकते हैं, वहाँ मंदाकिनी मैया बह रही हैं, इनको नर्मदा नाम से जाना जाता है। और ये पहाड़ों में 20 से 15 से निकलती है और नीचे मतलब बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, उनकी जड़ों से ये पानी निकलता है और आगे चल के एक बड़ी नदी का रूप ले लेता है। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको ले कर चलते हैं और दिव्य स्थान के दर्शन करवाते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है। हाँ, देख ले। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे स्रोत निकला हुआ है, पत्थर उतरा पे लगाए हैं क्या यहाँ पे? जी, पत्थर लगाया हूँ, साफ किया हूँ, नहीं झीर रहा था थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, इसके बाद सफाई कर दिया, कचरा साफ कर दिया, तो ले पानी बढ़िया बन गया। बहुत शरीर की है, सफाई नहीं किया जाएगा तो कहाँ से काम चलेगा। सही बात, सफाई ही भगवान का खेल। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो थोड़ी दूर से निकल रहा है, दिखाना हो तो दिखाऊंगा पानी। राम खुसरा खरदाम, जय जय श्री राम, जय हो चूरदेव भगवान के। ये इतना अच्छा पानी है कि आप विश्व में ऐसा पानी नहीं पाएंगे। जय हो लाल जी महाराज के। बम बम खुसरा खरदाम। ये गंगा के लिए मैं इतनी तपस्या वहाँ किया था, ये मुझको मिले, चाहे मेरे ऊपर कितना भी कुछ भी करना पड़े, ये गंगा जी मिल जाए मुझको। मैं इसीलिए वहाँ इतना 12-13 साल तपस्या किया हूँ, वहाँ भंगझूरी में बैठ के। सही बात है। ये मिले, 10 डिब्बा पी लो, चाहे जितना भोजन कर लो, एकदम मेरे को पूरा काया को निर्मल कर देने वाली गंगा है। चमत्कार है, बताइए। हाँ चमत्कार है भैया, बहुत बड़ा। बीहड़ जंगल में देखिए, यहाँ पे आदमी पानी को, यहाँ से जुड़ा हूँ भगवान से, पानी को तरसता है, यहाँ पे पानी इस तरह निकल रहा है जैसे समर सेबुल लगा हो। महाराज जी बहुत ठंडा पानी है ना, और इतना तेज इसका फोर्स है दोस्तों, जैसे हम समर सेबुल में देखते हैं ना, समर सेबुल जैसे 4 इंची समर सेबुल पानी देता है, ऐसे इतने फोर्स से पानी निकल रहा है। सब सन्यासी आदिवासी लोग यहाँ 2-2.5 किलोमीटर के अंदर जंगल में रहते हैं, वहाँ से यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पानी लेने आते हैं। सब छोटे छोटे लड़का बच्चा आइए, आप कल ही मैं सोच रहा था कि एक इनको साना हो, जी जी, एक टूटही इनको साइकिल दे दिया जाए, जी जी जी, तो अपना डिब्बा में टांग के ले जाया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये इतना यहाँ से निकल है जी, अब आगे आपको लुप्त हो जाएगा पानी पूरा, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से हल्का हल्का पानी निकल, बस यहाँ से, बस पूरा खेल यहाँ से है यहाँ तक। जी जी, आप पूरा दिखा दूंगा ना आपको, जब देखने आए सब करने आए, यही तो रामचरितमानस है। बिल्कुल। पहले तुलसीदास जी चंदन घिस के भगवान का प्राप्त करी नहीं जी, अब क्या है कि कहना कलयुग आ गया है, अब कंप्यूटर का सिस्टम हो गया है। बिल्कुल है, सब वही खेल। सही बात। अब देखो वो कल मैं इसको साफ किया हूँ जी, ये वाला कुंड भी निकाला हूँ देखो जी, यहाँ इतने विशाल पेड़ यहाँ से यहाँ तक पड़ा था, वहां तक पड़ा था, पूरा पेड़ को साफ करके उसको जलाया और ये पानी प्राप्त किया। बिल्कुल, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी एक तो स्रोत है, महाराज जी ऐसे स्रोतों की खोज करते रहते हैं दोस्तों जी। हाँ, देखते रहते हैं मतलब कहाँ पे स्रोत है, फिर इसलिए कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। इधर चलो, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे स्रोत है, और स्रोत महाराज जी मतलब यहाँ पे जैसे पत्थर वत्थर गिर गए और यहाँ पे मतलब बंद हो जाते हैं स्रोत, तो महाराज जी इसकी सफाई करते हैं, तब और सफाई करने के बाद ये स्रोत आराम से चलते रहते हैं, क्योंकि नदियों का जो स्रोत होता है वो पत्थर जैसे झड़ते हैं तो उससे जाम हो जाता है ना, हो जाते हैं। गाड़ी के हाथ सफाई नहीं किया जाएगा तो जाम हो जाएगा, अगर वो सफाई टाइम से नहीं किएगा तो स्रोत बंद हो जाते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत है। जी जी जी, सफाई मांगते हैं जंगल में, मतलब यही है एक साधन है जिससे आदमी जी सकता है, बस बाकी अगर कुछ पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पानी आग ही पानी दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पे जड़ी बूटियां भी होंगी बहुत सारी, बहुत सब नदी यहाँ पे नदी में। हाँ, अब देखो इसको कल साफ किया हूँ जी, अब आगे से पानी सब सब लुप्त हो जाएगा। जी जी, यहाँ महाराज जी हम देखे हैं कि सबसे ज्यादा मतलब कौवा का वृक्ष जी,
ये पूरा दोस्तों आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी ही रहते हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर स्थान है, ऐसे स्थान मतलब आपको बहुत ही कम चित्र। अब देखो कहाँ है नदी, अब जी 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 नदी तो वहीं तक से आप बना ली गई ना। हाँ अब देखो नदी कहाँ बची, बिल्कुल बिल्कुल देख लिया, अभी और दिखा रहा हूँ ना तुमको। नदी तो अब कर्तव्य से बन गई है, वो वहाँ बना है जी, बिल्कुल सर, तेजी से धारा निकलती है जी। अब देखो इतना इतना पानी आ जा रहा है उधर जी, जी जी वहीं से है से पूरी नदी बनी है। अब ये पानी जा रहा है झूरी में, कैसा न बेजार होगा मनुष्य, बिल्कुल जैसे खाया न तैसे बने मन, जैसे पिए पानी तैसे निकले बाड़ी, इसलिए जूता पहरा दिया था। ले कौन सी नदी है अब, सही थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो के नदी बनी, बहुत बड़ी विशाल नदी का रूप ले लेता है। अब देख लो, जब देखने ना आए हो अब लो है। ताई तो हनुमान जी आ गए सुबेरे से किस जाता है। हाँ बिल्कुल पीके हैं हनुमान जी, वो सब खेल है ना जी। अब देखो अब कौन पानी है, सही कैसा पानी भरा है, वो तो सफाई आ की जाती है ना उतने में जितने में हम रह रहे हैं, तब आ वो पानी वहां से साफ जा रहा है। अब हल लो छन्ना लगा है, सही। ये महाराज जी ये आगे से कहाँ से आ रही हैं, आगे भी अरे अभी आपको सब दिखा रहा हूँ मैं, जब आप अगुए भाई हो अब तो आपको सब लीला दिखा दूंगा। अब देखो उस पार आदिवासी रह रहे हैं सब जी जी, कैसे झोपड़ी बना बना के रह रहे हैं, सही कैसा अपना जीवन पाल रहे हैं भाई। कोई बड़ा से अब बताओ, ट्रेकों गल्ला वहां मड़ई खा नहीं रहा, और जहां भोजन की जरूरत है, जहां मनुष्य मर रहा है, वहां गरीब के लिए एक दाना नहीं है, सही बात। वोट लेने के लिए आगे आगे होंगे, बिल्कुल सत्य, सब चीज में, और गरीब है साथ देगा, सही। काम कराना होगा तो गरीब के पास जाएंगे, लकड़ी लाना होगा तो गरीब के पास जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और काम निकल गया तो फिर कोई किसी को पहचानता नहीं है, कोई किसी को नहीं पहचानता। कितने घर होंगे महाराज जी यहाँ आदिवासियों के, 3-4 घर इधर हैं। अच्छा फिर इसी तरह बंटवारा किए बनाए हैं अभी ये आधी दूर तक। अच्छा। तो जहां तक आपका मन हो तहां तक चलना, और जहां तक से आपकी गाड़ी कह दे, शरीर कह दे, वहीं से बंद बस। अच्छा ये गोलू लोग यही वाले घर, हाँ गोलू लोग यही, एक को गोलू नाम है, एक का देवराज नाम है, एक अच्छे नाम है, एक का सुशील। अब लो ये पानी आ जा रहा है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल ठीक। अब आगे इस तरह नदी है हमारा, नहीं बस आगे से खत्म है, आओ दिखाए ना थोड़ा भी, और इसको देखो कल परसों थोड़ा साफ किया था। अच्छा ये कुंड, इससे भी ये मतलब ये भी स्रोत निकल रहा है। हाँ ये भी थोड़ा थोड़ा झिर रहा है। हाँ। इसका नाम ही झिन्नी है। अच्छा हाँ इसमें मतलब हल्का हल्का पानी निकलता जी, रहता है जी, बाकी सब मेन खेल वही है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे भी देखिए दोस्तों स्रोत निकल रहे हैं जी। अब आगे से पानी लुप्त है ना थोड़ा वहां तक से जी जी, ये सब पर्वत के नीचे नीचे से स्रोत है महाराज जी निकल। हाँ आओ चलिए उस पार से। हाँ बस अब आगे पानी नहीं है, नहीं महाराज जी ना, आओ थोड़ा घूम ले। कुछ लोग यहाँ से ले जाते हैं गरीब जी जी पानी, और कुछ हमारे ठान से ले जाते हैं, जिनका पास पड़ता है तो आपके पास आ जाते हैं जी, जहाँ दूर पड़ता तो यहीं से ले जी। अब ले इस तरह के बोल्डरों में ये रेंगते हैं, अपना काम करते हैं, सही। इनका कोई सहारा नहीं, इनका भगवान ही सहारा है, बिल्कुल सही बात, बाकी और ये किसी के सहारे नहीं रहते। लोग सोचते हैं कि जंगल में बहुत ही मतलब अच्छा जीवन है, मतलब सुविधाएं हैं, ना लेकिन जब जंगल में लोग आते हैं तभी उनको पता चल सकता है कि मतलब कैसे लोग मतलब जीवन बिता रहे हैं अपने। अब एक आध दुठे गरीबन के देख लाओ ना झोपड़ी झापड़ा। हाँ हाँ देख लेंगे। हाँ उनसे पूछो यहाँ की लीला, अब हम तो अभी 6-7 महीना हुए। अब देखो ये पानी, इधर का पानी बहुत गंदा है, मटमैला पानी है, नर्मदा जी।
ये सब नर्मदा है ना, ये गरीब लोग, तब इन लोग जब भजन किया तपस्या किया तो इनके पास अनुसुईया माई आई जी जी, तब फिर नर्मदा ने को भोलेनाथ का वहाँ जाप किया बिल्कुल, तब उनने अपनी जटाओं से गंगा निकाला, तीनों बूंद तो जल निकाला है भोलेनाथ अपनी जटाओं से, सही बात, एक 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 बूंद दे दिया है आकाश को, एक बूंद दे दिया है पृथ्वी को, एक बूंद दे दिया है पाताल को, तीन बूंद जल है संसार में कमाल किए है, बिल्कुल सही बात। कभी आए होंगे, कभी देखे होंगे इस तरह, अभी इतने दिन से आपको मोबाइल में बना रहे हो। एक बार हम उधर से आए थे, यहाँ तक, यहाँ तो नहीं आगे तक आए थे, है ना, खोल दिया जाए तो सब सोच इधर के जाम खुल जाए, हाँ। तो जब सफाई नहीं तो सब, अब अकेला आदमी क्या क्या कर सकता है, अपने दुआरे साफ कर ले तो बहुत है वो। अब देखो यहाँ से पानी कहाँ है, अब यहाँ पानी पूरा समाप्त है, ये देखो हल ले मारे गोलू अंगा से गाय घुसी आई, ये है गोलू का घर, अच्छा जी। अब देखो पानी खत्म, यहाँ से पूरा समाप्त है, हल ले हो गया पानी का खेल, अब इसी तरह का पानी इधर हो जाते गरीब लोग क्यों भटके, सही, तब आगे पानी का सहारा नहीं है, इसीलिए